एवरीवन, वेलकम टू सुमेध ट्यूटोरियल। आज की जो टॉपिक है दी स्टेम लेक्चर 4। तो पिछले लेक्चर में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कवर हो चुकी थी, तो स्टार्ट करते हैं दी स्टेम। द स्टेम इज दी असेंडिंग पार्ट ऑफ दी एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस लीव फ्लावर एंड फ्रूट। तो जो स्टेम होती है प्लांट में, तो वो एक्सिस के असेंडिंग पार्ट से निकलती हैं, अपर पार्ट से निकलती हैं। एंड इनमें क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स। तो आपने प्लांट को देखा है कि उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमस ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। तो ये कहाँ से डेवलप होती हैं, स्टेम? तो जो सीड होती हैं, जर्मिनेटिंग सीड होती हैं, उनसे डेवलप होती हैं स्टेम। तो जो सीड होती हैं, उनको हम सॉइल में डालते हैं अंदर, तो वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, सीड में ग्रो होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो प्लूमल्स होती हैं, वो प्लूमल ग्रो करती हैं एंड स्टेम की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो फंक्शन होती है स्टेप की होती है, सीड होती है, सीड अपने आप को ग्रो करती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो प्लूमल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं एंड जो स्टेम होती है उनकी फॉर्मेशन करती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। तो स्टेम में क्या होती है, नोड एंड इंटरनोड्स देखने को मिलती है। तो ये नोड और इंटरनोड्स होती कहाँ पे है, तो आप फिगर से देखिए। आप जो ये फिगर देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज को फिगर से देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो इस फिगर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि नोड कहाँ पे होती है, इंटर नोड किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हो, तो स्टेम में जहां से लीफ ग्रो करती है, जहां से लीफ निकलती है, उस पार्ट को कहते हैं नोड्स। एंड इंटर नोड किसे कहते हैं, दो लीफ के बीच में जो पार्ट होती है, जो पोर्शन होती है, उसे कहते हैं इंटर नोड्स। तो ये जो पार्ट है उसे इंटरनोड्स कहते हैं। एंड यहाँ से आप देख रहे हो कि जो स्टेम है वो निकल रही है, वो ग्रो कर रही है, तो उस पार्ट को कहते हैं नोड्स। ओके गाइस, बर्ड को भी आप देख लो कि बर्ड कहाँ पे होती है, तो आप देख रहे हो कि ये जो लीफ है एंड स्टेम है, इनके बीच में आप देख रहे हो कि बर्ड होती है, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गई कि नोड कहाँ पे होती है एंड इंटर नोड कहाँ होती है एंड बर्ड कहाँ होती है। ओके, नेक्स्ट, The region of the stem bear leaf or bone are called node, while internode are the portion between two nodes. तो वही चीज बोल रही है कि जो नोड होती है वो कहाँ होती है, जहां से लीफ ग्रो करती है वहां पे क्या होती है, नोड होती है। एंड इंटर नोड कहाँ पे होती है, दो लीफ के बीच में जो पोर्शन होती है उसे इंटर नोड कहते हैं। मतलब कि जो दो नोड के बीच में जो पार्ट होती है उसे इंटर नोड कहते हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, The stem bear buds which may be terminal or axillary. तो मैंने आपको दिखाया कि बर्ड कहाँ पे होती है स्टेम में, तो आपने देखा, तो बर्ड क्या होती है, टर्मिनरी और एक्जिलरी होती है। नेक्स्ट, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वूडी एंड डार्क ब्राउन। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत सिंपल है कि जो स्टेम होती है वो यंग जब रहती है, जब शुरुआती में जब वो न्यू फ्लावर आप देख रहे हो, जो प्लांट आप देखते हो, जब वो न्यू प्लांट होते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। एंड जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, वूडी, वूड के टाइप की कलर हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की। तो उसे वूडी और डार्क ब्राउन कलर कह सकते हैं। ओके, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द स्टेम, तो स्टेम की फंक्शन क्या होती है उसे हम देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस वियर लीफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो जो मेन फंक्शन होती है स्टेम की, वो क्या होती है, ब्रांचेस को स्प्रेड करती हैं। मतलब कि जो ब्रांचेस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस जो निकली होती है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट होती है उनमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है, स्टेम की फंक्शन है। वो स्टेम क्या करती है, ग्रो करती है ब्रांचेस को, ब्रांचेस में ग्रोथ होती है स्टेम के थ्रू। एंड जो लीफ होती है वो भी क्या होती है, स्टेम में होती है, फ्लावर एंड फ्रूट ये सारी क्या होती है, स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। जो स्टेम होती है एंड वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं एंड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट,
Some stamp perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. तो जो कुछ स्टैम्प होते हैं वो मेन फंक्शन उनकी क्या होती है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करते हैं. तो आपने रूट में भी देखा था कि रूट क्या होती है, फूड की स्टोरेज करती है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. तो स्टेम की भी यही फंक्शन होती है कि क्या करती है, फूड को स्टोर करती हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को एंड प्रोटेक्शन करती हैं एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में रोल प्ले करती हैं. तो ये सारे पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो आई होप गाइस आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी. तो अगर आप चाहते हैं 11th 12th एंड बीएससी लेवल तक की बायोलॉजी लेक्चर एंड टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.